जय माता दी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और देखिए मेरे मॉर्निंग का चाय बन रहा है, मैंने पूजा वूजा कर लिया, अब चाय बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ। देखिए मैं प्याज भून रही हूँ, सिंपल सी आलू की सब्जी बनाऊँगी। और एक चीज़ और मैं बनाने वाली हूँ, मैं दिखाऊँगी। देखिए ये आलू की सब्जी, मैंने आलू उबाल के रख लिया था, और आलू की सब्जी, टमाटर, आलू टमाटर की सब्जी बनाने वाली हूँ मैं। ये देखिए मैंने आलू डाल दिया है, और आलू भी थोड़े से भून लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें कुछ थोड़े मोड़े मसाले डाल दूँगी, जैसे कि जीरा, गोलकी, लाल मिर्च पाउडर, और टमाटर, और हल्दी पाउडर, नमक, सब कुछ डाल के मैं थोड़ी देर भून लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, और टमाटर डाल के थोड़ा सा मैं इसे गला लूँगी। उसके बाद देखिए मैं भून रही हूँ, और अच्छी तरह से इसे भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए, और मैं अब इसे मैं ढक के थोड़ी देर पका लूँगी, और धनिया पत्ता डाल दूँगी, और ये हमारी सब्जी तैयार हो गई। देखिए कितना अच्छा और टेस्टी, बहुत बहुत ही टेस्टी लग रहा था ये सब्जी। और ये देखिए मैं पाव बना रही हूँ, वो ब्रेड ब्रेड पाव होता है ना, वही देखिए मैं ये से गोल गोल करके मैदा से, और इसे मैं रख ली हूँ। और अगर आपको पूरा पाव का देखना होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगी, इस अभी नहीं मैंने पूरा दिखाया है। और देखिए मैं इसे कढ़ाई में नमक डाल के रख दिया है, और उसमें थोड़े से ऊपर से मैंने दूध लगा लिया है, चीनी डाल के, और ये मैं ढक ढक के रख दी हूँ ये देखिए। और ये देखिए पाव को देखो, गीले कपड़े से मैंने ढक के अब पहले रख दिया था 10 मिनट के लिए गोला बना के। और ये देखिए मैं कढ़ाई को प्री हीट कर रही हूँ, ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें वो जाली रख के पाव रख दूँगी। और ये देखिए 3 पाव बच गया था, तो मैं अलग रख दी, बाद में मैं ये करूँगी। और ये मैंने दूध थोड़ा सा 2 चम्मच घोला है, इसमें चीनी डाल के वो पाव के ऊपर लगाने से पाव थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है और अच्छा बनता है। ये देखिए मैं थोड़ा सा नमकीन छान ले रही हूँ, नमक पारे, और मैं इसे बना ले रही हूँ। और ये देखिए मैं थोड़ा सा छान रही हूँ, और ये देखिए मेरा पाव, मैंने ज़्यादा लाल नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट था, और जैसे एकदम बाजार के जैसा ही पाव था खान। ये देखिए हमारे नमक पारे भी एक तरफ बन रहे हैं, और पाव भी मेरा बन रहा था एक तरफ, मैं दोनों काम एक साथ कर रही थी। और देखिए कितना अच्छा मेरा खास्ता नमकीन है, ये देखिए। देखिए बहुत ही खास्ता नमकीन था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, खाने में भी बहुत अच्छा था। और ये देखिए मैं पाव और सब्जी और एक एक काला जामुन मैं लेके नाश्ता कर रही हूँ। और ये देखिए बहुत पाव बहुत ही सॉफ्ट और फूला फूला बना था, देखिए कितना फूला हुआ है, इसे दाब दे रही हूँ फिर से फूल जा रहा है, स्पंजी, बहुत स्पंजी और बहुत ही अच्छा बना था अब, और बहुत ही अच्छा खाने में भी बहुत अच्छा स्वाद लग रहा था ये देखिए।
ये देखिए, मैं तो ये जा रही हूँ खाने, और आप भी आ जाइए खा लीजिए ना। मीठू जिगर भैया, जिगर भैया। ये देखिए फ्रेंड, हमारा टमाटर दिखाए थे हम आपको पहले, देखिए हमारा टमाटर फट गया और देखिए लाल हो गया है। देखिए देखिए मिट्टी लगा हुआ है, देखिए कितना अच्छा टमाटर फट गया है हमारे पौधा में। देखिए छोटा सा ही पौधा है, बड़ा नहीं है। देखिए टमाटर फट गया है, चार टमाटर है इसमें। और देखिए मैंने डंडी के से बांध दिया है इसको, देखिए। अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं लगाई हूँ क्योंकि मेरे पास बीज नहीं है, इसलिए फिर लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी मैं ज़रूर। देखिए, और मैं अपने हाथ से लगाई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलता है ये सब देख के कि मेरा पौधा में टमाटर उगा या फूल उगा। फूल के भी पौधा मैं लगाती हूँ तो उसमें फूल खिलते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है, और ये टमाटर या कुछ भी लगाने से अपने हाथ से बहुत खुशी मिलती है। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक, और आप अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाय, थैंक यू।